उत्तराखंड में दो सप्ताह पहले अस्पताल से घर लौट रही एक नर्स के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में हुई है, जिसके बाद आरोपी को 14 अगस्त की रात गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार नर्स नैनीताल के एक निजी अस्पताल में काम करती थी। उसका शव उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक खाली प्लॉट में मिला। घटना 30 जुलाई की है। आरोपी का नाम धर्मेंद्र कुमार है, जो बरेली का रहने वाला था। वह दिहाड़ी मजदूरी है। कुमार ने कथित तौर पर नर्स का यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह अस्पताल से घर लौट रही थी। 31 जुलाई को पीड़िता की बहन ने स्थानीय पुलिस में गुमशुदी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। नर्स का परिवार उसके घर वापस नहीं लौटने की वजह से चिंतित था। वहीं नर्स का शव पुलिस को 8 अगस्त को मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले उसे झाड़ियों में घसीटा और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने नर्स का गला घोटकर मार डाला। इसके बाद उसने नर्स के साथ लूटपाट की, उसके गहने लूटे और फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के फोन को ट्रैक करने के बाद राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी मंजुनाथ ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है। वह महिला को नहीं जानता था। घटना वाले दिन उसने महिला को अकेले जाते देखा। इसके बाद उसने महिला को रोका और घटना को अंजाम दिया। उसने नर्स का यौन उत्पीड़न किया। हत्या के बाद उसने महिला का सामान लूटा और भाग गया। आपको बता दें, यह घटना ऐसे समय में हुई जब 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज परिसर में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद पूरे देश में हंगामा मच चुका है। वहीं विपक्षी नेताओं और डॉक्टरों संघ ने कोलकाता पुलिस पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया है, क्योंकि पीड़िता के माता पिता को पुलिस द्वारा शुरू से ही बताया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जांच के बाद सब कुछ साफ हो गया है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।